साथियों सभी का BSR स्टडी पॉइंट के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज बात करने वाली है BSTC का एग्जाम आ रहा है आपका, कुछ जिंक के फैक्ट में लेकर आया हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। पहला है कि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक सदर जिनकी भेंट फतेहपुर सीकरी में अकबर से 1585 में हुई थी कौन थे? दरियाव जी थे, संत पिपा जी थे, दादू दयाल थे या संत राम चरण दास जी थे? इसका सही जो उत्तर होगा मेरे प्रिय साथियों, देख लो आप क्या होगा उत्तर, सह कौन? दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ एवं ब्रिज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस चित्र शैली का विकास हुआ? कौन सी चित्र शैली का हुआ? किशनगढ़ शैली का, नाथद्वारा शैली का, मारवाड़ शैली का या फिर शाहपुरा शैली का? सही उत्तर होगा नाथद्वारा शैली का। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि हाड़ौती अंचल में बनने वाले सीताबाड़ी तेजाजी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? भाई इसमें चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, मेड़ा का, ग्रासिया का, सहरिया का, भील का। सही उत्तर होगा सहरिया का, सहरिया का सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन अपन देखते हैं वो है असंगत, बिल्कुल बिल्कुल देख लीजिए क्वेश्चन, देख लो आपको असंगत का चयन कीजिए। जीण माता रेवासा गाँव में है, केला देवी करौली में है, तनोटिया माता तनोट में है, सच्याई माता बीकानेर में है। इसका सच्याई माता बीकानेर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ओसिया में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि नगर और उनके संस्थापक में असंगत बताइए, करौली का राव अर्जुन देव, अलवर का आपका अलट, भरतपुर का बंदन सिंह, अजमेर का जयपाल। सही उत्तर क्या होगा उत्तर बै, यानी अलवर का अलट नहीं था, राव प्रताप सिंह जी थे, देख लो आप। अगला जो क्वेश्चन आपके समक्ष, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोमल कोठारी द्वारा गठित रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? रूपायन संस्थान आपकी जोधपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये जोधपुर में हो जाएगी। अगला है नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है, नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी सभापति, महापौर, चेयरमैन, मेयर। इसका सही उत्तर होगा सभापति, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि राजस्थान में अपना आ जाएगा कि राजस्थान में जो संप्रदाय वगैरह होता है ना, उसका सही जो उत्तर होगा राजस्थान में कौन सा संप्रदाय का, तो जसनाती संप्रदाय है इसका सही। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा मगधी, अर्धमगधी, सौरसेनी, गोडवांशी। सही उत्तर होगा सौरसेनी मानी गई है। अगला क्या देख लीजिए आप, बेल पुरुष द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी सापा, डेपाड़ा, छेड़ा। इसका सही उत्तर होगा डेपाड़ा कहा जाता है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जीवनधारा योजना किस कार्य से संबंधित है? जीवनधारा पोषाहार योजना से, ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था से, सिंचाई कुओं के निर्माण से, ग्रामीण रोजगार से। सही उत्तर होगा सिंचाई कुओं के निर्माण से, सही उत्तर हो जाएगा सही। अगला देखो, सांधु गांव जालौर में भाद्रपद शुक्ल नवमी को किस लोक देवता का मेला भरता है? तलिना जी का, वीर फता जी का, हरिराम जी का, वीर बिका जी का। सही उत्तर होगा उत्तर ब, वीर फता जी का मेला भरा जाता है। अगला देखो क्या है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिपतिक ने बिजोलिय किसान आंदोलन को भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तरुण राजस्थान, प्रताप, लोकावाणी, आगेबाण। उसे ही उत्तर होगा प्रताप समाचार पत्र से। अगला क्या है कि प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में किसके मध्य है जो कि लड़ा गया? कौन कौन है? सागा में इब्राहिम लोदी साहब है, राणा सागा में महमूद खिलजी है, मालदेव मान सिंह है, शेर शाह मालदेव के मध्य है। सही उत्तर होगा शेर शाह मालदेव का, मालदेव जोधपुर का था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में सम्मिलित नहीं है, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मिठालाल व्यास है, करौली त्रिलोक चंद माथुर है, बीकानेर प्रजामंडल मगारा वेद है, और शाहपुरा प्रजामंडल सीताराम है। इसका सही उत्तर होगा शाहपुरा का सीताराम नहीं है, रमेश चंद्र ओझा संस्थापक है। अगला क्वेश्चन आप देख लो कि राज्य का कौन सा अभ्यारण्य उडन गिलहरी व सागवान के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, दरा अभ्यारण्य या फिर रणथंभौर अभ्यारण्य या फिर सीता माता अभ्यारण्य? क्या है कि उड्डन गिलहरी व सागवान वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा है? सही उत्तर होगा आपका द, सीता माता अभयारण्य। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए, सागवान के वृक्ष उस पर उड्डन गिलहरी पाई जाती है, कौन से प्रसिद्ध है, कौन सा अभयारण्य है, याद रखो ये किस आने वाला है। सही उत्तर होगा सीता माता अभयारण्य में उत्तर होगा द आपका। अगला क्वेश्चन आप देख लो
कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज है, क्या कि राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज है, इसमें कौन सा है, अपना पंडित पुरुषोत्तम दास है या फिर महुनिद डागर है, लाखा खा है, उस्ताद हसन खा है, जिसका सही उत्तर होगा पंडित पुरुषोत्तम दास। अगला क्या है, कर्नल जेम्स टोड का गुरु का नाम ज्ञान चंद्र था, भाई ऐसा ही हो जाएगा, है ना, ये आपका हो गया। अगला देखो, विजय भंडार गढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर विजय भंडार गढ़ किला स्थित है, अरावली, सोनगिरी, दमदमा, त्रिकुट पहाड़ी, सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा सह दमदमा पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि जयपुर टकसाल की स्थापना किसने की थी, किसने की, जयपुर टकसाल यानी सिक्के का कारखाना, सवाई जयसिंह दत्ते ने, सवाई जयसिंह प्रथम ने, मान सिंह ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने, सही उत्तर होगा एस वाई जयसिंह दरित्य ने। अगला क्वेश्चन क्या है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है, इसका सही उत्तर होगा अलवर से, बीकानेर से, मारवाड़ शैली से, झालावाड़ शैली से, सही उत्तर होगा मारवाड़ शैली से संबंधित है। किस नृत्य में भगवान शिव को पूरिया कहा जाता है, शानदार क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आने वाले बीएसटी वाले देख लो, गौरी नृत्य, मोहन नृत्य, भीम नृत्य, विष्णु नृत्य, गौरी नृत्य में भगवान शिव को पूरिया कहा जाता है। अगला देखो, बाड़मेर के कनाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा, बाड़मेर के कनाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, गेर, गौरी, चक्री, बम, इसका सही जो उत्तर होगा मेरे प्रिय साथियों वो कौन सा होगा, आपकी गेर होगा, गौरी होगा, चक्री होगा, बम होगा, इसमें बताया गया कनाड़ा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य वो होगा गेरन नृत्य। अगला देखो, कौन सा लोक नृत्य खेल नृत्य की श्रेणी में आता है, कौन सा लोक नृत्य, ढोल आता है, नेजा आता है, भाई खेल नृत्य क्या होता है, भाई खेलते खेलते जो नृत्य करते हैं या युद्ध होता है या चरिया होता है, सही उत्तर होगा नेजा नृत्य, लोक नृत्य खेल नृत्य की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन शानदार शानदार क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आने वाले हैं, रायण नृत्य किस जनजाति का है, रायण नृत्य सहरिया, ग्रासिया, मीणा, भील का, यह होगा ग्रासिया जनजाति का रायण नृत्य है। अगला देख लो भाई, जवारा नृत्य किस जनजाति का है, भील का है या फिर मीणा का है, यह जो जवारा नृत्य इस प्रकार के नृत्य होता है वो जनजातियों से संबंधित होते हैं, है ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है और क्वेश्चन है बार बार इन्हीं टॉपिक की उससे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाल्दिया या फिर ग्रासिया, इसका सही उत्तर होगा जावरा जो नृत्य है वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित क्या है नृत्य है। अगला क्या है, ताड़ना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, ग्रासिया में है, भील में, मीणा में, सभी में, इसमें ग्रासिया में ताड़ना विवाह पर एक मोड़ना विवाह होता है। अगला क्या है कि कौन सा संप्रदाय सगुन भक्ति धारा से संबंधित नहीं है, कौन सा, शाक्य, निम्बारक, कापालिक या दरिया, सही उत्तर होगा दरिया पंथ नहीं है, इससे सगुन भक्ति धारा से संबंधित है नहीं है। अगला क्या है, राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संबंध अलग चलाया, जैसे संघ संवत होता है, विक्रम संवत, वैसे जैसलमेर के भाटी, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, अजमेर के चौहान, जैसलमेर के भाटी ने अपना अलग संघ जो संवत है, अपना संघ नहीं अपना संवत चलाया था, राजस्थान के किस राजवंश ने अपना संवत अलग चलाया था, जैसलमेर के भाटी में, उत्तर हो गया है। अगला देखो, आठवीं से दसवीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, चावड़ा, प्रतिहार का, भाटी वंश का, परमार का, सही उत्तर होगा प्रतिहारों का वर्चस्व रहा। अगला, किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है, भाई पंडित दीनानंद शर्मा ने कहा है कि मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की जो दीवार है वो बोलती है, तो जूनागढ़ के दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है, यह बीकानेर में बना हुआ है। अगला देखो, कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, भाई गिरी दुर्ग यानी बोले तो पहाड़ी जो दुर्ग होते हैं उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं, और ये तो जूनागढ़ दुर्ग हो ही गया। अगला, अगर अपन बात करें माधवराजपुरा का किला, सिवाना का किला, या फिर बात करें अपने शाहबाद दुर्ग, या फिर अपन बात करें आगे नीचे वाले की, क्योंकि गिरी दुर्ग क्या है भाई पहाड़ी वगैरह है, शाहबाद दुर्ग हो गया, इसके अलावा अपन बात करें द ऑप्शन की निमराना फोर्ट हो गया, इसका सही उत्तर होगा माधवराज का किला। अगला क्वेश्चन क्या है, लोहे धातु निष्कर्ष करने वाली भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है खुदाई में, जोधपुर व सोनारी से, सोनारी व नोहो से, या फिर नो व जोधपुरा से, या फिर नगरी व नोहो से, क्या है यानी जोधपुर व सोनारी से हमें क्या मिली है, लोहे सक वाली भट्टियां मिली। अगला क्या है, मीर भोज प्रस्तुति के रचयिता कौन है, बालादित्य, भानु, सोम, अवि, सही उत्तर होगा बालादित्य, मीर भोज प्रस्तुति के रचयिता माने गए है। अगला शानदार शानदार क्वेश्चन है, सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है, तो चैत्र माह में, भादवा माह में, कार्तिक माह में, और ये जो कपिल मुनि का मेला कौन कहाँ पर है, बीकानेर या फिर फाल्गुन में, इसका सही उत्तर होगा कार्तिक में, कार्तिक का महीनो मेलो ब्रिजा भाई। आगे देखो एक अब क्वेश्चन शानदार आ गया, राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, दांतड़ा, भीलवाड़ा में,
मुकाम बीकानेर में भाई गुदड़ संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय होते हैं ना, उसके अनुसार उनकी पीठ होती है। जैसे कतरिया से बीकानेर जसना थी, वैसे ही मुकाम बीकानेर के अंदर हो गया आपका, और अपन बात करें दांतड़ा भीलवाड़ा का हो गया। राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय विभिन्न श्रेणियों में है, सलीमाबाद अजमेर में और गलताजी जयपुर के अंदर है। दांतड़ा भीलवाड़ा, मुकाम बीकानेर, सलीमाबाद अजमेर, गलता जयपुर में। सही उत्तर होगा दांतड़ा भीलवाड़ा, है ना, वहाँ पर गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगला क्या है, बौद्ध विवारों के लिए प्रसिद्ध कोलवी गुफाएं कहाँ स्थित है? कौन सी बौद्ध विवारों के लिए प्रसिद्ध कोलवी गुफाएं? जयपुर में, झालावाड़ में, जोधपुर में, उदयपुर में। सही जो उत्तर होगा आंसर बी, कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है। प्रसिद्ध कोलवी गुफाएं है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव, फूलडोल महोत्सव भी मनाया जाता है और फूलडोल उत्सव भी है। परनामी पंत द्वारा, वल्लभी पंत द्वारा, रामसनी पंत द्वारा, सतनामी पंत द्वारा। इसका सही जो उत्तर होगा मेरे प्रिय साथियों सी, रामसनी पंत द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, सन मेवाड़ में गोयल वंश की स्थापना कब हुई? कब की गई? तो 566 में मेवाड़ के गोयल वंश की स्थापना है जो कि होती है। अगला, सन 1681 में किस झील के किनारे जैसी जैसी ने औरंगजेब से संधि कर ली थी? कौन सी? जैसमंद झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। इसका जो सही उत्तर होगा उत्तर है राजसमंद झील पर संधि की ली थी जैसी और जैसी ने औरंगजेब से। अगला देखो क्वेश्चन, देखो सभी शानदार शानदार है। किस सन में अकबर ने मानसी को 7,000 जात और 6,000 का मनसब प्रदान किया? 1599 में, 1601 में, 1603 में, 1605 में। सही उत्तर होगा 1599 के अंदर मानसी को 7,000 का जात और 5,000 का मन, 6,000 का स्वार का मनसब प्रदान अकबर के द्वारा किया गया। अगला देखो, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेघ यज्ञ किसने किया? अश्वमेघ स्वाय जयसिंह ने, राव चंद्र सेन ने, महाराणा सांगा ने और राव मालदेव ने। अश्वमेघ यज्ञ वही है जैसे राम जी ने किया था, लव कुश उन्होंने घोड़ों को कपड़ लिया था, तो वही वैसा ही क्या है कि ये अंतिम स्वाय जयसिंह ने किया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगला देख लो, चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गर्दन में, नाक में, मस्तिष्क में, कमर में। सही जो उत्तर होगा मेरे प्रिय साथियों नाक में चोप नामक आभूषण पहना जाता है। शानदार शानदार क्वेश्चन है भाई आपके समक्ष में भैरू सिंह राजपूत लेकर आ रहा हूँ। अगला देखो शानदार क्वेश्चन क्या है कि खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? खलकानी माता का मेला, क्योंकि राजस्थान के अंदर अनेक देवी देवता है ना, तो खलकानी माता है उनकी, है ना, तो कौन से संप्रदाय की वो तो आप कमेंट करें। कहाँ लगता है? लोनियावास में, कोलायत में, परवसर में, करौली में। इसका सही उत्तर होगा लोनियावास जयपुर में खलकानी माता का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेवाड़ के संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ठाकुर अजीत सिंह ने, भीम सिंह ने, अमर सिंह ने या फिर अमर सिंह दीत्य ने। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर ए, मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह चुड़ावत ने मेवाड़ के संधि पर पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? अशोक के अभिलेख राजस्थान में ब्राह्मी लिपि में मिले हैं और जेम्स प्रिंस ने 1737 में इनको, 1537 में और 1737 के मध्य भी बार बार इनको पढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, बड़ली में, बरनाला में, बेराट में और भुजकला में, बेराट में इसके अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। अगला क्या है कि किस मेवाड़ शासक की पुत्री कृष्ण कुमारी के लिए मारवाड़ अमीर के बीच परवसर के गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ? मारना अमीर सिंह, जगत सिंह देते, संग्राम सिंह देते, भीम सिंह। तो मारवाड़ के शासक मान सिंह, मेवाड़ शासक जगत सिंह के मध्य हुआ, ठीक है, मान सिंह और जगत सिंह के मध्य हुआ। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? तो जखम, जुआई, पांचना, मेजा। कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ बांध है? राजस्थान में जो मिट्टी से बना बांध और सर्वाधिक शांतिप्रद शांतिमय ये जो बांध है वो मिट्टी से बना है। कौन सा? क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की चिड़चिड़ाहट हमेशा बहुत ही कम रहती है। कौन सा आपका बांध है? और आपका सी, पांचना बांध है। अगले देखो कि राजस्थान में नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन किस जिले में स्थित है? नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा। सही उत्तर होगा इनका दौसा के अंदर नैरो गेज की एकमात्र रेल लाइन स्थित है, कहाँ पर है? दौसा में। अगला, रेल डिपो के निर्माण से संबंधित शिमोगो वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भरतपुर में, अजमेर में, जयपुर में, धौलपुर में। सही उत्तर आप भी देते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ए में, है ना, इसका सही उत्तर होगा ए। अब देखो, भीलवाड़ा नगर को पेयजल आपूर्ति हेतु किस बांध का निर्माण करवाया गया? मेजा बांध, बिस्लपुर बांध, ओराई बांध, सेरपी बांध। सही उत्तर होगा मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए जो कि किया गया।
अगला, जनजातियों में कटनी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित युवतियों के द्वारा पहना जाता है। अगला क्या है? देखो पहला विवाहित स्त्री द्वारा, अविवाहित युवती द्वारा, विवाहित पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवकों द्वारा, यानी अविवाहित युवती द्वारा जबकि कुंवारी छोरे हमें बे ए वस्त्र जगह पहना। राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? ये आपका है बी सूटगढ़ सुपर थर्मल पावर। जैसे ऑप्शन आएगी कोटा सुपर थर्मल में, छबड़ा सुपर में, गिरवाड़ा विद्युत में या फिर सूटगढ़ में। सही तो जरूर होगा उत्तर बी सूटगढ़ सुपर थर्मल पावर। क्या बात है, क्या बात है, क्यों सबसे आधार। अगला क्या है? विवाह के समय वधू के लिए वरपक्ष द्वारा आभूषण में आभूषण दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विवाह के समय जो आभूषण दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बेस, मुकलावा, बरी पल्ला, मायरा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कहा जाता है अपना सी, यानी बरी पटड़ा कहा जाता है। अगला देखो, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है भाई, जन्म से संबंधित है, मृत्यु से, जन्म से संबंधित है, मृत्यु से है, मृत्यु भोज से है या फिर विवाह से? उत्तर बी आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मौर्य विवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाते हुए नदी है? वो कौन सी? चंबल है, माई है, साबरमती है या फिर काली सिंध है? देखो ये आपका सही उत्तर होगा बी माई नदी है, वो अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में सीमा बनाती है। अगला क्या है कि अगला आ जाएगा, यह हो गया डूंगरपुर नदी बनाई दी भैया। चलो हरिकेली नाटक की रचयिता अर्णोराज विग्रहराज चतुर्थ सोमदत्त पृथ्वीराज तृतीय, इसका सही उत्तर होगा बी विग्रहराज चतुर्थ माना गया है। इससे रिलेटेड जीके थे जितना, उसको इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मिलते रहो जी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।